हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल इन्वेस्टमेंट के बाज़ार पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम भेल के शेयर को कवर करने वाले। अभी भी दोस्तों काउंटर FNO बैन के अंदर है। आज तेज़ी आपको देखने को मिली है, बट कहीं ना कहीं तेज़ी टिकी नहीं। ऑलमोस्ट इंट्राडे हाई से स्टॉक ने 60 पैसे नीचे क्लोजिंग दिए। अब क्या होंगे कल के 17 मई के टारगेट? क्या FNO बैन से बाहर निकलेगा या फिर नहीं निकलेगा? सब पर इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना। वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करके जरूर जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं FNO बैन अपडेट। भेल, GNFC, डेल्टा कॉप, PNB आर अंडर FNO बैन ऑन ट्यूजडे। तो दोस्तों जो भेल का स्टॉक था वो लगभग दोस्तों थर्सडे से FNO बैन में, और लगभग 4 सेशंस हो गए, स्टॉक अभी भी FNO बैन में ही है। तो डेफिनेटली दोस्तों FNO बैन के अंदर आने से कहीं ना कहीं स्टॉक का जो मूवमेंट है वो काफ़ी स्लो होता हुआ देखने को मिलता है। और अभी मैं यही कहूँगा, अगर ये FNO बैन से बाहर निकला आने वाले एक दो दिनों के अंदर, तो डेफिनेटली आज जो तेज़ी हुई है उससे कई गुना ज़्यादा बड़ी तेज़ी आपको भेल के काउंटर में बनती हुई देखने को मिलेगी। मगर अपन बात करें स्टॉक के इंट्राडे मोमेंटम की, दोस्तों 9:15 पे स्टॉक खुला एंड 11:20 तक लगभग 2% का हाई दोस्तों इस स्टॉक ने लगाया है। एंड उसके बाद आप यहां पर देखिए 11:15 से 3:15 तक ऑलमोस्ट 1% का फॉल ये स्टॉक दिखा चुका है। तो डेफिनेटली हायर लेवल से गिरावट हुई है, वो तो एंड में एक छोटी सी रिकवरी आपको देखने को मिली है। एंड अगर अपन बात करें आज के मार्केट की, तो यहां पर आप देख सकते हैं मिड कैप इंडेक्स में 83 पॉइंट्स की तेजी हुई है। बाकी ओवरऑल पूरा मार्केट आज कहीं ना कहीं फॉल होता हुआ देखने को मिला है, और डेफिनेटली मार्केट में डेफिनेटली लगातार तेजी हो रही है, तो छोटा मोटे करेक्शन डेफिनेटली मार्केट के लिए हेल्दी है। एंड अगर आज के एडवांस डिक्लाइन रेशियो की बात करें, तो 980 शेयर आज पॉजिटिव में थे और 1048 शेयर नेगेटिव में थे। तो डेफिनेटली भेल आज एक फॉर्चुनेट वन था जो आज पॉजिटिविटी में ट्रेड करता हुआ देखने को मिला, और कहीं ना कहीं मिड कैप इंडेक्स का बड़ा हाथ है इसमें। आज मिड कैप इंडेक्स स्टार्टिंग में लगभग 280 पॉइंट्स के ऊपर चले गया था, लेकिन फिर डेफिनेटली मिड कैप इंडेक्स में गिरावट हुई, और उसके चलते दोस्तों ये स्टॉक में आपको हायर लेवल से बिकवाली होती हुई देखने को मिली है। प्लस अगर अपन आज की वॉल्यूम की बात करें, तो 17.5 मिलियन की वॉल्यूम दोस्तों आज ये शेयर दर्ज करता हुआ देखने को मिला है, और कहीं ना कहीं 82.20 रुपीज एक इंपॉर्टेंट हर्डल का काम करता हुआ देखने को मिला है। आई थिंक सो कल के दिन अगर मान लीजिए क्या बोलते स्टॉक FNO बैन से बाहर आ गया, तो डेफिनेटली दोस्तों 82.20 का लेवल जैसे ये शेयर क्रॉस करेगा तो मिनिमम 84 तक के लेवल्स आपको देखने को मिलेंगे। मगर अपन बात करें स्टॉक के इंट्राडे मोमेंटम की एंड इंट्राडे के रेजिस्ट, अगर अपन हाइस की बात करें, तो यहां पर आप देख सकते हैं 82.20 का लेवल तो टूटा, बट उसके बाद स्टॉक टिक नहीं पाया। तो डेफिनेटली दोस्तों 82.20 का लेवल काफी इंपॉर्टेंट है। कल अगर 82.20 के ऊपर शेयर निकला, तो जरूर दोस्तों एक बढ़िया ब्रेकआउट आपको इस काउंटर में बनता हुआ देखने को मिलेगा। अगर अपन एवरेज वॉल्यूम की बात करें, तो 10-day एवरेज वॉल्यूम में लगभग 29 मिलियन और आज आई है 17 मिलियन। तो डेफिनेटली वॉल्यूम ड्रॉप आपको इस स्टॉक में देखने को मिल रहा है। आई थिंक सो जब भी ये स्टॉक FNO बैन के बाहर निकलेगा, एंड डेफिनेटली उसके बाद चांसेस वेरी हाई कि एक तो वॉल्यूम में आपको अपट्रेंड आता हुआ देखने को मिलेगा, प्लस उसके बाद दोस्तों डेफिनेटली आपको स्टॉक में भी बढ़िया मोमेंटम होता हुआ देखने को मिलेगा। वहीं अगर अपन बात करें दोस्तों स्टॉक के टेक्निकल्स की, तो यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू में आप टेक्निकली देख सकते हैं करंटली स्टॉक अभी बाइंग जोन में ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। एंड अगर अपन परफॉर्मेंस की बात करें, तो पहले यहाँ पर 1 वीक में नेगेटिव परफॉर्मेंस था, अभी दोस्तों बिल्कुल फ्लैट ये स्टॉक होता हुआ देखने को मिल गया आज की तेजी के बाद। एंड अगर अपन मंथली बेसिस पर देखें, तो मंथली बेसिस पर अभी भी दोस्तों एक काउंटर जो है वो 13% ऊपर ट्रेड कर रहा है। मगर अपन बात करें दोस्तों FNO डेटा की, तो कहीं ना कहीं दोस्तों आज FNO डेटा बताता है कि स्टॉक में आज शॉर्ट कवरिंग होती हुई देखने को मिली है, तो ये एक अच्छा सिग्नल है। आई थिंक सो कल अगर लॉन्ग बिल्डअप होता है इस काउंटर में, तो एक बढ़िया मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है। ब्लॉक डील की बात करें, तो 5 ब्लॉक डील दोस्तों भेल के इस काउंटर में आज के दिन आती हुई देखने को मिली है, एंड करंटली 10.5% के करेक्शन पर आपको भेल का शेयर मिलता हुआ देखने को मिल रहा है अपने 52 हफ्तों के हाइस से। वहीं अब अगर बात करें स्टॉक के रेजिस्टेंस की, तो यहां पर दोस्तों स्टॉक का रेजिस्टेंस चार्ट खुल गया है। ये रेजिस्टेंस क्लियर हो चुका है, ये रेजिस्टेंस क्लियर हो चुका है, ये रेजिस्टेंस का वेट है। तो डेफिनेटली जैसा कि मैंने आपको पहले कहा, 82.20 का एक लेवल काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर 82.20 के ऊपर ये शेयर जाता है, तो जरूर एक बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, और उसके बाद जो टारगेट्स बनेंगे वो मिनिमम आई थिंक सो दोस्तों 84 से 85 के इस काउंटर में जरूर बनते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं शेयर के चार्ट्स पर, और कल के एंड लॉन्ग टर्म के टारगेट्स पर चर्चा करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम BHEL के चार्ट्स पर आ गए, और यहाँ पर आप देख सकते हैं RSI जोन लगभग 59 का भी चलता हुआ देखने को मिल रहा है। एंड अगर अपन स्टॉक के चार्ट्स देखें, तो डेफिनेटली 88 रुपीज़ के लेवल से स्टॉक गिरा है। एंड अगर अपन आज की बात करें, तो आज डेफिनेटली स्टॉक ने एक अटैम्प्ट किया था तेज़ी का। कल अगर मान लीजिए मार्केट रिकवरी देते, क्योंकि आज निफ्टी ने 112 पॉइंट्स की गिरावट करी है, तो कल अगर मान लीजिए मार्केट में तेजी होती है और कल अगर 82.20, 82.40 का लेवल ये शेयर तोड़ देगा, तो जरूर दोस्तों चांसेस आर वेरी हाई कि 84 से 85 की रेंज में शेयर बढ़ता हुआ देखने को मिले। एक बार अगर दोस्तों 84, 85 के ऊपर ये शेयर टिक गया, तो जरूर दोस्तों उसके बाद इमीजिएट टारगेट ही आपको 88 के काउंटर में देखने को मिलेंगे। तो मेरी यही सलाह है कि अगर आपके पास ये शेयर है, तो अभी इस काउंटर को होल्ड करिए। फ्रेश बाइंग डेफिनेटली आप 82.20 के ऊपर ले सकते हैं, एंड आई थिंक सो शॉर्ट टर्म में ये चांसेस आर वेरी हाई कि वापस से ये शेयर आपको 90 के
करीब ये जाता हुआ देखने को मिल सकता है। लॉन्ग टर्म के टारगेट्स की बात करें तो अभी डेफिनेटली कंपनी के इस मंथ के अंदर रिजल्ट्स आउट होते हुए देखने को मिलेंगे। अगर रिजल्ट अच्छे हुए क्यू ऑन क्यू बेसिस पर और वाई वाई बेसिस पर तो जरूर लॉन्ग टर्म के लिए आप अपनी होल्ड करेंगे इस काउंटर को, एंड डेफिनेटली डिपेंडिंग अपॉन द रिजल्ट्स इस पर लॉन्ग टर्म के टारगेट्स बनते हुए देखने को मिलेंगे। और अगर अच्छे रिजल्ट्स आते हैं तो डेफिनेटली चांस है वेरी हाई कि ट्रिपल डिजिट्स में भी ये काउंटर आपको जाता हुआ देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों दैट्स इट फॉर वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।